कि हमारा नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट क्या होगा, कि कलर आपको क्या लगता है कौन सा करेंगे। तो आज से उसकी हंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। हाँ पे देखो, हमें यहाँ से ना अपने ट्रेलर का आइडिया लेना है एक्चुअली। तब हम हो चुके हैं लॉक। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो एक और व्लॉग में। आज फिलहाल हम अपनी स्कॉर्पियो को देने जा रहे हैं पेंट के लिए फाइनली। पिछले बम्पर वगैरह जो छोटे छोटे काम है वो तो बाद में करेंगे, अभी फिलहाल फाइनली इसका पेंट हो गया है डिसाइड। जो पेंट का काम है वो कब आज से स्टार्ट होना है, बाकी पेंट का कलर आपसे बात करेंगे गाड़ी के अंदर पहुंच के। अभी चलते हैं सीधा, इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसको हैंड ओवर करने। और आज आपको मैं इसी व्लॉग में भी रिवील करने वाला हूँ कि हमारा नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट क्या होगा। आप सबने बोला कि आप इंटीरियर पे काम नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, बस करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। बस जब प्रोजेक्ट कार बन रही होती है ना तो रखना होता है थोड़ा पेशेंस। ओके, लेट्स गो। हाँ हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता है आजकल आईपीएल सीजन शुरू हो गया है, तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है वन विन, जहां आप पैसे कमा सकते हैं जस्ट बाय वॉचिंग क्रिकेट। तो भाई साहब, जैसे ही आप वन विन की ऐप खोलेंगे, इसमें आपने जाना है स्पोर्ट्स में, वहाँ पे जाना है अपने क्रिकेट में, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है इंडियन प्रीमियर लीग। देन यहाँ पे आप कोई भी अपना जो मैच है वो चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें बहुत सारे जैसे बेटिंग ऑप्शंस है, यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट करें। देन हम कोई भी अमाउंट बेट करते हैं, जैसे मैंने 500 रुपीज़ यहाँ पे बेट किए, तो पॉसिबल विन 1000 रुपीज़ है। तो लेट्स मेक अ बेट, और देख सकते हो योर बेट हैज बीन प्लेस, यू ओपन बेट। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे। जब तक मैं रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, मैं आपको अपना यूजुअल बोनस दिखाता हूँ जो कि बना है गेम से, और ये अभी आईपीएल के स्टार्ट का ही है। आई थिंक अभी ये बढ़ेगा। मुझे क्रिकेट पसंद है और मुझे इसकी नॉलेज भी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे पाएं 500% का बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। सबको गुड लक और मजे करें इस अमेजिंग गेम पे। लिंक इन पिन कमेंट, गुड लक। अरे ध्रुव भाई और पर भाई उधर है, इतने में हमारे एक्सप्लोरिंग भाई को हम ले आए साइड पे इनकी बहुत सही वाली बाइट देने के लिए, क्योंकि हमेशा ये आते हैं बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये वाली जो वॉच है इनकी, ये मैं यूज़ कर रहा था, बट इसका एक न्यू वर्जन आ चुका है जो हमारे एक्सप्लोरिंग भाई दिखाएंगे। तो 49mm ना काफ़ी ज़्यादा लोग कहते थे कि मतलब रिस्क के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये 45mm में नॉर्मल सीरीज 8 आई है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन एमोलेड डिस्प्ले में है, और इसके साथ साथ इसके जो वॉलपेपर चेंजेस है लाइक ओरिजिनल स्मूथनेस में है, एंड प्रॉपर 60-90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आने वाला है, सुपर स्मूथ। तो बहुत ही अमेजिंग वॉच है अगर किसी को लाइक मतलब मुझे लगता है यार जिसको तो जिसकी मतलब रिस्ट थोड़ी सी पतली हो, या फिर जिसको अल्ट्रा जितनी बल्की वॉच नहीं चाहिए, तो स्लीक ऑप्शन में बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं देख सकते हो यार, मतलब कोई जज नहीं कर सकता कि मतलब आपको बहुत स्मूथ है। बाकी इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं आज यहाँ पे, जैसी अल्ट्रा जो है शोएब भाई ने पहनी है वो, देन एयरपॉड्स अपने पास, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 100% है, ट्रांसपेरेंसी मोड भाई ये भी मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मतलब नए जो असली वाले एयरपॉड है ना सेम वैसे, बताओ 27,000 वाले बर्थ लगते उसमें सब चीजें ना यार वैल्यू फॉर मनी होती है। जैसे ये सैमसंग के बड्स हैं, ये भी नॉइस कैंसलेशन वाले, ये नॉर्मल आएंगे, मतलब नॉइस कैंसलेशन इसकी जो सॉन्ग्स वगैरह सुनने पे रहती है। ओके, तो बट स्टिल वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि प्राइस पॉइंट सिर्फ सैमसंग बड्स, मुझे लगता है एक बंदा आपके पक्का लेगा जो 6,000-7,000 का केस ले ले भाई। हाँ। इसकी एमआरपी कितनी है? जस्ट 1800 बुक कर दूं। और ये वो वाले हैं जो 17,000 के आए हैं, तो इनके पास जो बाकी पफ्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ऑर्डर कर सकता है। बाकी ये इसका ध्यान रख लेना, बाकी मना तो हम किसी को करेंगे नहीं। बाकी भाई इनके पास ना सब स्ट्रैप्स से लेके स्ट्रैप्स जो भी मतलब एप्पल के रिलेटेड वॉचेज एंड एयरफोन्स की एक्सेसरीज रहती हैं वो सब अवेलेबल है। अगर आप लोग मतलब बाय करना चाहते हैं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं technobros95.in, या फिर आप जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 9682544925 पे। बाकी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही देंगे। और भाई एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इनका जो टीबी गैजेट्स है, ट्रस्ट मी यार, बहुत ट्रस्टेड है, और आप सबको मैं रिकमेंड करता हूं कि डरिए मत, प्रीपेड ऑर्डर्स भी 100% सेफ होते हैं। क्यों? एंड वन मोर थिंग प्लीज, हाँ जी, डू फॉलो
एंड भाई सारे जाके भाई को अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ट्रस्ट मी यार, ये बहुत अच्छे आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। जो देखो, मैं आपको ऐसे कभी भी ना, मैं हर किसी चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, बट अगर मैं कर रहा हूँ तो वैल्यू फॉर मनी है। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओरिजिनल बेकार हैं, ओरिजिनल अच्छे नहीं है, बट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं। ऑफकोर्स 80,000 की घड़ी और सिर्फ 3500 की, तो फर्क तो है। तो चलो, एनी विच वेज, तो अभी करते हैं इसको वाइंड अप और फिर वहां से सीन दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब, फिलहाल इसका जो पेंट है, जो कलर है उसका, वो तो अभी हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, दो तीन कलर है जो हमने फाइनलाइज कर रखे हैं, वो हमारे दिमाग में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट आपका जो चॉइस है ना, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसको भी इंटू कंसिडरेशन लेंगे। और आज फिलहाल पेंट पे छोड़ देंगे, दो तीन दिन में इसका बेस वर्क हो जाएगा। तो अब जो हमारा कंसंट्रेशन है वो नए प्रोजेक्ट की तरफ होगा। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसके ये जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, ये सब इन प्रोग्रेस हैं। तो मतलब एक दिन का काम हो गया है। ये गत्ते वत्ते इस पर सब लेदर चढ़ जाएगा, यहाँ पे कवर आ जाएगा, न्यू स्टेयरिंग आ रहा है, अपना न्यू कॉम्बिनेशन स्विच आ रहे हैं, सब अंदर के पैनल्स हैं। इसको कार्बन डिप करेंगे, हाइड्रो डिप होता है ना, तो या वो अगर नहीं हुआ तो फिर इसको ग्लॉसी ब्लैक में, पियानो ब्लैक में फिनिश कर देंगे। तो चलो अभी चलते हैं सीधा जलंधर मोटर, वहीं से हमने पेंट का काम कराना है, फिर वहां से आपको सीन दिखाते हैं आगे के। और भाई साहब, सारे आप लोग भाई बोल रहे थे जैसे S11 का डैशबोर्ड, अभी हम देखेंगे, अगर जम्मू में हमें कोई बंदा मिल नहीं रहा एक्चुअली, वरना हम उसका डैशबोर्ड लगा देते। डैशबोर्ड हमारे पास है और बस हमें कोई बंदा चाहिए जो हमारा वो कर दे, अगर आपके दिमाग में भी कोई है। क्योंकि दिल्ली वाले वो जो एक यूट्यूबर है, उनकी वीडियो में आते हैं जो कन्वर्जन करते रहते हैं, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते। ये 10 ईयर वाला रूल भी है, प्लस ये बाकी की भी लीगल नहीं है। बट चलो करते हैं कुछ प्लान, जैसे जैसे आप बोलेंगे। आपका कमेंट और आपका फीडबैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और देखते हैं। ये डैशबोर्ड भी अच्छा ही लगेगा जब पूरा कम्प्लीट हो जाएगा ना, तो ये लेदर फिनिश अच्छी लगेगी। तो भाई साहब, फाइनली पहुंच चुके थे जलंधर मोटर और अभी अब अपनी गाड़ी को दे रहे हैं यहाँ पे। ये आई थिंक इसको सांबा वाली वर्कशॉप में शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे काम थोड़ा जल्दी हो पाएगा, क्योंकि यार हम नहीं चाहते इसकी भी फैमिली को वेट करना पड़े इसका आउटकम देखने के लिए। बाकी कलर आपको क्या लगता है, कौन सा करेंगे और क्या हमारे दिमाग में होगा, आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब इनको हैंड ओवर कर रहे हैं और आज ही आपको ना थोड़ी देर में मैं रिवील कर रहा हूँ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बने रहिए वीडियो में, कहीं जाना मत, ओके। तो भाई हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है एक ट्रेलर, एक मतलब ऐसा ट्रेलर जिसमें ब्रेकिंग भी इंक्लूडेड हो, एंड साथ ही साथ में आपकी सारी गाड़ियाँ जितनी भी है, 700 होगी, ये होगी गुलाब भाई की V8 होगी, गुलाब भाई की टैंक थार होगी, और भी मतलब जिमनी होगी, कोई भी गाड़ी हम टो करके ले जा सकें किसी एक लोकेशन पे, वहाँ पे ऑफ रोड के और वहाँ से फिर वापस आ सके। तो आज से उसकी हंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो चैनल पे, एंड दिखाते हैं आपको क्वालिटी कंटेंट। फिलहाल अपने पिछले बम्पर का भी कोई ना कोई जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये गैप ना अच्छा नहीं लगेगा, इसका कोई जुगाड़ करते हैं। बम्पर के साथ तो नो डाउट कम्प्लीट लग रही है गाड़ी, चलो दिखाएंगे सीन आपको। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं ध्रुव भाई की गाड़ी में, और ध्रुव भाई पता नहीं किसी अपने मिस्ट्री कॉलर से बात कर रहे हैं, पता नहीं उल्टी पुल्टी, अगर रिकॉर्ड होगी तो हम वो डाल देंगे। अभी हम चल पड़े हैं अपना ट्रेलर की खोज में, और साथ ही साथ में अपने सुनील भैया जा रहे हैं, हमारे ध्रुव भैया पीछे आ रहे हैं, आप देखें हमारे ध्रुव भाई भी आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाई इसको ना सांबा वाली वर्कशॉप में छोड़ना है, क्योंकि इसका काम वहाँ पीसफुली हो पाएगा, यहाँ पे ज़्यादा इनके पास रश है। रास्ते में कोई ट्रॉली भी देख लेंगे, बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर आपको वहीं से अपडेट करते हैं, ठीक है गाइस। यार आज तेल सच में बहुत कम हो गया है, तो अभी बस नेक्स्ट वाले पेट्रोल पंप पे जाते हैं। यार इसको कोई हम चलाते नहीं है ना ज़्यादा, इसके चक्कर में तेल डालना भूल जाते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट वाले पंप से, सीधा सबसे पहले डीजल ही डलवाते हैं। अभी फिलहाल अपना फ्यूल डलवा रहे थे हमारे सुनील भी, अभी हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सांबा में जा रहे हैं भाई। तो चलो सरोर ब्रेक तो नहीं मारनी, सरोर मार नहीं जाना, अरे चलो भाई वहाँ पे भी चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे सीन। ये आ चुके हैं हम लोग लोकेशन पे और यहाँ से आपको सीन दिखाना है क्या क्या रहेगा और कैसे कैसे रहेगा, वो देख सकते हो आप। ये आगे बॉडी बिल्डर, मगर दूसरे वाले बॉडी बिल्डर नहीं, ये ट्रक्स और बसेस की बॉडी बनाते हैं, बट हमें दूसरे टाइप का चाहिए। आगे चलो तो चलते हैं भाई आगे लोकेशन। फाइनली अब हम आ चुके हैं यहाँ पे, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या ही बनता होगा और अब हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तब हम हो चुके हैं लॉक और हमारे पुलकित भाई आ रहे हैं बाहर से, ये देखो ये इतनी गंदी कैसे हुई,
आपने जो स्लश में डाली थी वो पीछे पीछे थे हम भी कलर हो गए ऑफ रोड करके आ गए ऑफ रोड ऑन रोड से ऑफ रोड कर दिया गाइस पेंट करानी थी पर ये वाली पेंट नहीं करानी थी अच्छा लग रहा है वैसे वाला टेक्सचर में रुबे मेरे को एक और आईडिया है हम एकदम इसको ना इसको एकदम मॉन्स्टर बना देंगे टो करके एंडेवर के पीछे पीछे ले जाया करेंगे देखो ट्रेलर हमारा आपने यूज किया हमने यूज किया एक ही बात है ठीक है फिर बहुत सही लगे जैसे वो करता है मैच रिकवरी तो चलो भाई ये आगे हम यहाँ पे और देखते हैं क्या सीन बनता है पहुंच गए थे हम लोग अपने ट्रॉली वाली शॉप पे और यहाँ पे देखो हमें यहाँ से ना अपने ट्रेलर का आइडिया लेना है एक्चुअली इतनी मोटी हमें चेसिस चाहिए अपने ट्रेलर की देख सकते हो इसमें पूरा क्रॉस मेंबर रहेगा एक डेड एक्सल रहेगा बाकी देखते हैं यार अभी तो हमें कोट वगैरह ले रहे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है क्योंकि उसमें टायर्स वायर्स भी ऐड करने हैं कम से कम इतनी चौड़ी तो रहेगी बट इतनी ऊंची नहीं क्योंकि ये तो शायद कमर्शियल यूज़ के लिए होता है वो रेत वगैरह उठाने के लिए बट हमने गाड़ी रखनी है तो हमें साइड वाले ये चाहिए नहीं करते हैं प्लान यार कुछ फिर आपको अपडेट करते हैं देखते हैं क्या क्या सीन बनता है इसके बाद तो मुझे लगता है हम अपनी टोइंग सर्विसेज भी खोल सकते हैं तो चलो चलते हैं यार अभी इनसे कोट वगैरह लेते हैं और फिर वहां से आगे आपको सीन सिखाते हैं ये देखो इनके पास पूरी स्प्रिंग्स वगैरह बोल्ट्स हाई मतलब हाई टेंसाइल बोल्ट्स होते हैं ना वो भी इनके पास पड़े हुए देखो यार ऐसा कुछ लगेगा अपना सिस्टम सीधा नीचे ना कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा है अभी अच्छा सा थंबनेल ले लेते हैं और फिर वहां से आपको अपडेट करते हैं फिलहाल पहुंच चुके थे हम लोग अपना अच्छा पहुंच के सारी मैंने बातें कर ली अब मैं बोल रहा हूँ तो भाई अभी सारी बातें चल रही थी और इतने में हमारे भाई भी मिल चुके भाई क्या नाम है आपका तो भाई साहब सारे ब्लॉग देख रहे हो हाँ जी हाँ जी तो ऐसे थम्स अप करो फिर और आप यहीं पर रहते हो तो चलो अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा चलो चलो ठीक है गाइस तो चलते हैं यहाँ से वाइंड अप करते हैं फिर आपको अपडेट करते हैं तो भाई साहब अभी हम आए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वाली साइड पे देख के और अभी यहाँ ये थोड़ा ना एक्सपेंसिव बोल रहे हैं हम कुछ करते हैं प्लान एक बार स्क्रैप यार्ड से भी पूछ लेते हैं वहाँ से कितने की हमें चेसिस पड़ेगी और डिफ विफ जो भी हमें डेड एक्सल वगैरह चाहिए तो चलो एक बार पता कर लेते हैं सब कुछ और फिर आपको फिगर आउट करते हैं बट आज से ऑफिशियली हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है आ चुके थे हम जलंधर मोटर 2.0 ये इनका नया वर्कशॉप है जो वो खुल रहा है बोर्ड लगाया नहीं अभी लगाना है भैया कब से स्टार्ट होगा हमारी स्कॉर्पियो का काम ये वाला तो शुरू हो रहेगा आजकल में शुरू हो रहेगा आज या कल नई वर्कशॉप पे नया नया काम पक्का आज ये वाली गाड़ी करनी है इन्होंने उसके बाद नेक्स्ट आप इस पे क्या करना है इस पे ये टैंक ये नहीं काम अच्छा वो वाली पे करनी है तो चलो भाई कल से अपनी गाड़ी का पेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको सही सही सीन दिखाते हैं बाकी इसका करते हैं यार ट्रेलर का कुछ लेफ्ट है तो भाई अभी छोड़ के आ चुके हैं अपनी प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो को कल से उसका पेंट का काम स्टार्ट हो रहा है हमारे ध्रुव भाई के साथ आ चुके हैं तो भाई साहब अभी हमने ट्रेलर का भी करना है काम और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको आज बता दिया क्या होगा साथ साथ में आपको और भी काम दिखाते हैं क्या क्या रहता है कैसे कैसे रहता है और अभी चल रहे हैं वापस सांबा आए थे आपको पता है यार ये तो बड़ा दूर है मुझे लगा नहीं था उतना दूर है इतना नहीं है ऑलमोस्ट जम्मू ऑलमोस्ट वेरी वेरी ऑलमोस्ट की डेफिनेशन चेंज करो आप पहले तो वैसा एक बार दिल्ली घूम के आओ तो वैसा अभी चलते हैं यार वापस जम्मू और फिर वहां से आपको सीन सिखाते हैं बाहर खड़े रहे पता नहीं कौन सी पेट पूजा फिर कहते हैं तो भाई साहब अभी दमित भी आ गए आज हमने चेसी का पता करने जाना था बट वो बंदा आज आया नहीं हमने फोन पे उससे कॉन्टेक्ट किया तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट डे में आपको पता चलेगा कि हमने चेसी लेनी है या फिर हमने वहाँ से जहाँ आपको पहले लेके गए वहाँ से ट्रॉली आपको मैंने आइडिया तो दे दिया प्रोजेक्ट के लिए अब हम ध्रुव भाई की एंडेवर भी डालेंगे उसमें एंडेवर डालेंगे आगे फॉर्च्यूनर से खींचेंगे या फिर फॉर्च्यूनर डालेंगे या एंडेवर खींचेंगे एंडेवर तो खींच लेगी वो बनी इसीलिए नहीं वो भी खींच लेगी ऐसी बात नहीं है मगर ये ना हो कि हम आगे जाते रहे पीछे वाली गाड़ी वो बल्लू गाड़ी का आगे ऑल द बेस्ट देखिए ना प्रेम बटन दबा वाला सीन हो जाएगा फिलहाल पहुंचे थे दमित भाई के पंप पे और यहाँ पे हमें देखो कौन मिल गया है आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम जेके भाई जेके भाई की कमेंट्री हमने बड़ी मिस की जेके भाई यार नेक्स्ट ऑफ रोड पे डन दमित भाई क्या हाल है ठीक हो आप कुछ कहना चाहते हो दो पंक्तियां कहो दो पंक्तियां हाँ कह चलो भाई अभी देखो ये रूबीकॉन का छत वगैरह खुल रहा है अभी इसकी ड्राइव वगैरह लेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स भाई फील है यार गाड़ी में आप देखो ना अंदर बैठ के एकदम मतलब जितनी बार बैठोगे ना उतनी बार आपको लगता है नहीं कुछ तो है इसमें
फिलहाल आ चुके हैं दमित भाई की रूबीकॉन में और दमित भाई भी हमारे साथ आ गए हैं। तो भाई जाके सारे ना जाके दमित भाई का भी चैनल आ गया है जो है किस नाम से दमित भाई? हाँ भाई बताओ किस नाम से? तो भाई मैं बता रहा हूँ सब जाके ना भाई को फॉलो करो। भाई हम घूम ही रहे थे, ध्रुव भाई को टेस्ट ड्राइव दे रहे थे और इतने में हमें यहाँ पे भाई मिल चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका भाई? और आपका भाई? तो भाई मेरे को पता चला कि रिदम भाई का ना यूट्यूब चैनल भी है और वो भी ऑफ रोड करते हैं। हाँ। तो भाई साहब सारे जाके ना इनको फॉलो कर लो और अपना प्यार दिखाओ। चैनल का नाम रिदम महाजन जीरो भाई। तो भाई सारे जाके करना। अब ऑफ रोड पे आओगे पक्का? आप कभी भी मैं आ जाऊंगा आप भी चलो थम्स अप कर दो दोनों फिर। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो डे टू ऑफ द व्लॉग। आज फिलहाल हमने दूसरे बॉडी बिल्डर, ये वाले बॉडी बिल्डर नहीं, दूसरे वो जो ट्रक वाले बॉडी बिल्डर होते हैं उनके पास जाना है अपने ट्रेलर के लिए। मौसम थोड़ा ठीक है और आज बड़े दिन के बाद हम 700 में ही घूमेंगे। तो चलो इसको कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट और फिर वहाँ से आपको सीन्स दिखाते हैं। कर लिए अपने हमने अपनी थार 700 स्टार्ट और अभी चलते हैं सीधा लोकेशन पे और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं सीन्स। तो भाई साहब अभी हम जा ही रहे थे अपना काम से और इतने में हमें भाई भी मिल गए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण सिंह तलवारी है। तो भाई थम्स अप कर दो अगर सारे व्लॉग देख रहे हो तो। हां सही बात है। थम्स अप नहीं करना ये देखो यार ठीक है। थम्स अप हो गए ऐसे नहीं करना ऐसे। यो यो देख जट थल्ले कार टू सीटर खड़े। सही है भाई, भाई अपना टैलेंटेड भी है। अभी हम जा ही रहे थे और हमारे साथ हमारे जो गुलाबी के फादर हैं वो आ चुके हैं तो ये हमें असिस्ट करने वाले हैं क्योंकि इनको ऑफकोर्स हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई। तो अभी ये जा रहे हैं हमारे साथ और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या सीन्स रहते हैं। तो अंकल हेलो कर दो। वाय। तो चलो भाई दिखाते हैं आपको सीन। सब हम आ चुके हैं बड़ी दूर और पता नहीं है ये बिश्ना बोलते हैं जगह को, बट मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। ऊपर से आई थिंक जो रिंग रोड है वो जा रही है तो यहाँ से रिंग रोड कनेक्ट होगी। चलो आज बड़े टाइम बाद आए हैं हम इस साइड, मतलब बड़े टाइम क्या मुझे लगता है मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। कल भी आए थे यहाँ पे एक और वर्कशॉप में बट यहाँ पे भी काम नहीं बन पाया। एक्चुअली इसके ओनर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह रेडी होती है बट चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। कोट वगैरह ले लिया है तो अभी बोल रहे हैं कि कल बताएंगे अपना सब कुछ फिगर आउट करके कौन सा कहाँ पे गार्टर वाटर मतलब जो चेसिस हमने खुद बनानी है वो कैसी यूज़ होगी। तो एक बार वो फिगर आउट हो जाए तो फिर आपको अपडेट करते हैं, बट मतलब चल रहा है अपना फुल स्पीड पे चल रहा है काम। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं गांव वाली साइड तो यहाँ पे हमने पता किया अब ट्रॉली का दो तीन जगह। तो अभी उसमें क्या है कि वो कल हमें बताएंगे प्रॉपर कोट वगैरह लेके, हम दो तीन जगह और से भी कोट लेते हैं। गुलाब भाई के फादर भी हमारे साथ ही हैं तो इन्होंने भी हमें बहुत गाइड किया है। तो बट चलो चलते हैं यार अभी वापस जम्मू वाली साइड। दो तीन जगह से हमने ले लिया वैसे कोट, एक पे टेलीफोनिकली लिया, एक हम यहाँ पे आए बिश्ना वाली साइड, बिश्ना बोलते भैया इसको, तो बिश्ना वाली साइड आके हमने यहाँ पे एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली मैन्युफैक्चर करते हैं उनसे भी ले लिया कोट, एक हमने कर लिया था सरोर से। तो चलो अब देखते हैं फिर कहाँ से बनता है क्या मूड बनता है, बट आपको दिखाएंगे ज़रूर। अभी फिलहाल अपना काम वगैरह करके हम आ चुके हैं शाम को चक्कर चुक्कर मारने। अभी यार ट्रैक्टर ट्रॉली वाला प्रोजेक्ट भी करना है। एक आपको पता है एक चीज़ ध्रुव भाई, एक मेरे को ना जैसे वो मिस्टर इंडियन हैकर नहीं है वैसा मुझे एक प्रोजेक्ट आया कि एक गाड़ी लेके उसको पूरा घसीट के पूरा ऑफ रोड ट्रैक किया जाए और मतलब स्क्रैप से गाड़ी हो तो बिल्कुल मतलब डैमेज दो खाली शेल वगैरह उसके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ाएं भी हम। क्या बोलते हो आइडिया कैसा है? पर भाई क्या आइडिया? पर भाई हमारे साथ खड़े हो गए उस टाइम पे? नहीं देखना गाइस आप भी यहीं हम भी यहीं, देखना कौन साथ खड़ा होगा।